हम संदेश काली जाकर उन महिलाओं के दुख को सुनना चाहते हैं, दुख बांटना चाहते हैं। जो महिला एक मुख्यमंत्री है, महिला का वो ममता है, उसका नाम है, उसके अंदर ममता का कोई चीज नहीं है। शेख शाहजहां कौन है? उसके अचल के नीचे हजारों शेख शाहजहां को लालन पालन उन्होंने कर रहे हैं। यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये जो गुनाह करने वाले हैं उसको ये पुरस्कृत करती है, और जो बेचारे निर्दोष लोग हैं वो गुहार मांगते मांगते थक जा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री एक महिला है, उसके बावजूद बहनों पर इतने अत्याचार होना, उनको घर से उठा ले जाना, उनके पतियों की जान की धमकी देकर उनको कई दिनों तक अपने पास बंदी बनाकर उनके साथ दुराचार करना, ये तो मानवता की हत्या करने बराबर है। राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे हादसे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं पूरा दल के ऊपर उठ के राजनीति करने का टाइम बहुत मिलेगा, और राजनीति नहीं, हर एक का घर में बेटी है, हर एक का घर में माँ है, और बेटी के लिए माँ के लिए सब लोग आगे आइए। हम संदेश काली जाकर उन महिलाओं के दुख को सुनना चाहते हैं, दुख बांटना चाहते हैं। एक महिला होने के नाते जिस तरह से अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहा है, यहाँ की सरकार निकम्मी सरकार है, भ्रष्ट सरकार है। ये जो गुनाह करने वाले हैं उसको ये पुरस्कृत करती है, और जो बेचारे निर्दोष लोग हैं वो गुहार मांगते मांगते थक जा रहे हैं। तो ये सरकार बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल बहुत गलत। हम लोकतांत्रिक तरीके से आए, हम उनसे मिलना चाहते हैं। जो महिला एक मुख्यमंत्री है, महिला का वो ममता है, उसका नाम है, उसका अंदर ममता का कोई चीज नहीं है। एक महिला बैठा हुआ है, दूसरा महिला का इज्जत लूटता है, उसका झूठा महिला दुनिया में कोई नहीं हो सकते। आरएसएस और बीजेपी शासन उसके पास है, शासन उसके पास है। शेख शाहजहां कौन है? उसके अचल के नीचे हजारों शेख शाहजहां को लालन पालन उन्होंने कर रहे हैं। कल पार्लियामेंट, उन्हें संसद में, उनका विधानसभा में खड़ा होके शेख शाहजहां को जो महिला सेफगार्ड दे सकते हैं, उससे दुष्ट महिला हो नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से आप लोग 144 है, आप लोग जा रहे हैं 144 में, डेमोक्रेटिक राइट है, हमको जाना है। हम एक महिला है, हम जा सकते हैं 144 में, चार लोगों को मिलकर जा सकते हैं। हम चाहेंगे वेस्ट बंगाल का पुलिस जो डेमोक्रेसी है उसको दिखाए। तो लग रहा है कि जहाँ पे यहाँ पे महिलाएं खुद सामने आ रही है, बोल रही है, ये बोल रही है कि आप लोगों के द्वारा भेजा गया है, और वहाँ पे इस तरह की घटनाओं को आप लोग भ्रमित। देखिए, हजारों संदेश काली होकर रखा है, हम लोग भ्रमित नहीं कर रहे है। अभी संदेश काली कोई पार्टी का एजिटेशन नहीं है, वहाँ का पब्लिक ने खुद सहन नहीं कर पाया, इसीलिए उसको एजिटेशन खुद ने किया है। वही कोई दल का नहीं है, वो महिला का क्रंदन है। हम चाहते हैं पूरा दल के ऊपर उठ के राजनीति करने का टाइम बहुत मिलेगा, और राजनीति नहीं, हर एक का घर में बेटी है, हर एक का घर में माँ है, और बेटी के लिए माँ के लिए सब लोग आगे आइए। किस प्रकार से यहाँ बहनों पर अत्याचार हो रहा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री एक महिला है, उसके बावजूद बहनों पर इतना अत्याचार होना, उनको घर से उठा ले जाना, उनके पतियों की जान की धमकी देकर उनको कई दिनों तक अपने पास बंदी बनाकर उनके साथ दुराचार करना, ये तो मानवता की हत्या करने बराबर है। तो ऐसा बहनों के साथ हो रहा है, अत्याचार के खिलाफ हम लोग सब बहनें आई हैं। हम उस पीड़ित परिवार के पास भी जाएंगे, उस बहन से भी मिलेंगे। संदेश खाली में हम लोग जाने के लिए यहाँ आए हैं। तो इतना अत्याचार मुझे नहीं लगता, जहाँ एक तरफ बहनों के सम्मान के लिए इतना दिन रात हमारी केंद्र की सरकार काम भी कर रही है और महिला सशक्तिकरण के और कदम भी उठा रहे हैं, वहीं यहाँ पश्चिम बंगाल में बहनों के साथ इतना दुराचार होना, ये बहुत ही गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। वो विधानसभा में सीएम कह रही है कि आरएसएस और बीजेपी का यहाँ पे लोग हैं जो इस तरह के। देखिए, उनको पहले अपने आप में झांक कर देखना चाहिए कि उनके प्रदेश में बहनों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। बहनों को मीटिंग के नाम पर बुलाकर उनको बंदी बनाकर उनको लेके चले जाना, उनके पति की जान की धमकी देकर उनके साथ दुराचार करना, हिंसा करना, वो शेख जहां शाहजहां इतनी गुंडागर्दी कर रहा उस पर कोई कार्रवाई न करके बेफिजूली के दूसरों पर इल्जाम लगाना, ये गलत है।
सर पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो घटना हुई है उसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस इसके पीछे है। नहीं, मैं कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी है करनी चाहिए राज्य सरकार को, जहाँ राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे हादसे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए।